गांव देहातों में एक तो सुविधाएं वैसी ही कम होती है और जो पहले से मौजूद है वो बस नाम की सुविधाएं हैं। चित्रकूट के अग्रहुणा गांव में आंगनबाड़ी होने के बावजूद लोगों को कोई फायदा नहीं है। यहाँ लोगों को पोषाहार और पंजीरी मुहैया नहीं कराई जा रही। तो आपके आंगनबाड़ी में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? बच्चों को मिलता सामान? पूछूं क्या करी हमको नहीं मिला तो हम कह दे कि मिला थी। हम जानता ना कि कितना बांटता है। आपको टाइम नहीं पता कब बढ़ती कब? हमें नहीं पता। आंगनबाड़ी बताती नहीं है? हमें कौन नहीं बता। आपके घर में कोई महिलाएं गर्भवती या बच्चे हैं छोटे? मतलब छोटा बच्चा भी हुआ है 24-26 तारीख को। उसके पहले एक बार पदूरी हमको मिली है गर्भवती। इसके कभी नहीं मिली। पूरे 9 महीने में एक नहीं बार। मिली एक बार मिली 9 महीने। आंगनबाड़ी में हमें कुछ नहीं मिलता, न पदूरी मिला है, न हमें कोई खबर मिला है कि काका जी मिलता है कि नहीं मिलता, न कहाँ मिला था कहाँ नहीं मिला था। कोई सोचना भी नहीं है, न कोई बतावा हमें यहाँ तो हम कहा जाने की कब मिला था, कब कई तारीख मिलता है, कई तारीख नहीं मिलता, कोई बता नहीं है। जनगणना करा आती है, पंजूरी वंजूरी कौन नहीं देती है, ना कौन नहीं सुविधा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया देवी का कहना है कि वह हमेशा घर घर पोषाहार बांटने और लोगों को बुलाने या बच्चों को लेने नहीं जा सकती। मिनी आंगनबाड़ी होने के कारण जब बच्चों को लेने जाती है तो मेरे दूसरे बच्चे भाग जाते हैं। 2 महीने से बजट नहीं आया तो पोषाहार नहीं बना। आंगन के आगे पुरवा है, वो पुरवा के आ दीदी हम सर्वे करे थे तो हमें 4 दिन लगता है। एक दिन ये कोने में, एक दिन वो कोने में, एक दिन वो कोने में। धात्री कितनी है? 3-4 दीदी, ज्यादा नहीं है। और उधर की है, सब उधर की नहीं है, कुल 7-8 महीने में, ज्यादा हाइन नहीं सर। कुल 500 की आबादी है दीदी, ज्यादा की हाइन नहीं। सरकार ने पोषाहार और पंजीरी जैसी सुविधाएं गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए बनाई थी ताकि औरतों और बच्चों को सही पोषण मिल सके। लेकिन लोगों का आरोप है कि पंजीरी की बोरियां आंगनबाड़ी गांव के लोगों को बेच देती है। माया देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर पोषाहार के दुरुपयोग कर रही है उसकी जांच कराते हैं, जल्दी से जल्दी कराते हैं, कल या परसों भी भेजते हैं। तो सर इस टाइम आंगनबाड़ी में क्या क्या चीजें आ रही है? सिर्फ पोषाहार प्राप्त हो रहा है, वो भी सबला छोड़ के, सबला वाला पोषाहार भी नहीं आ रहा है, सिर्फ जो है बच्चों का और गर्भवती धात्री का।